हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इजी एकॉस्टिक गिटार लेसन चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आपकी आज आने से एकॉस्टिक गिटार कवर। इस गाने को कवर किया है नेपाल के दो दिग्गज कलाकारों ने, गिटारिस्ट गोपाल रसैली और संजीव बराइली जी ने, जिन्हें गुरु चेला के नाम से भी पहचाना जाता है। तो आइए इसका कॉर्ड देखते हैं। ए मेजर से कवर किया है, इसका जो फर्स्ट इंट्रो है कुछ इस तरह से प्ले किया है। ठीक है, ये फर्स्ट का इंट्रो है और यहाँ से गाना स्टार्ट होता है लाइक। इस तरह से प्ले किया है। तो आप टैबलेशन ऊपर देख सकते हैं, ये आपको प्ले करना है फर्स्ट इंट्रो जो है थर्ड स्ट्रिंग 9 to 11 फ्रेट हैमर ऑन, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग 10 फ्रेट पर 2 times, और लास्ट नोट आपको एंड करना है सेकेंड स्ट्रिंग सॉरी थर्ड स्ट्रिंग 9 फ्रेट इस तरह से। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का पार्ट। और सेकेंड पार्ट जो है आपको प्ले करना है सेम स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग 7 to 9 हैमर ऑन और सेकेंड स्ट्रिंग 7 फ्रेट। ठीक है, ये आपको दोनों स्ट्रिंग जो सेकेंड और थर्ड है एक ही साथ यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर सकते हैं फर्स्ट फिंगर से, और प्ले करना है आपको थर्ड स्ट्रिंग हैमर ऑन करना है 9 और सेकेंड स्ट्रिंग ऑफ पिकिंग करना है। ठीक है, और लास्ट नोट जो रहेगा आपका 7 फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। इसी तरह आपको सेम यहाँ पर प्ले करना है, ये भी आपको 9 to 11 आपका हैमर ऑन करना है और सेकेंड स्ट्रिंग 9 फिर से एक बार प्ले करना है और लास्ट नोट थर्ड स्ट्रिंग 9 फ्रेट। और जो लास्ट का पार्ट है ये आपको प्ले करना है, ये आपको प्ले करना है 9 to 10 हैमर ऑन और सेकेंड स्ट्रिंग 12 फ्रेट और फिर से सेम 2 times और लास्ट नोट रहेगा थर्ड स्ट्रिंग 9 फ्रेट। ठीक है, तो तीनों एक ही साथ देखते हैं चारों, और उसके बाद आपको प्ले करना है ये पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है आपको प्ले करना है सेकेंड स्ट्रिंग पहले तो 7 to 9 डाउन स्लाइड और फर्स्ट स्ट्रिंग 7 फ्रेट। ठीक है, उसके बाद आपको बैक आना है 9 8 7 सेकेंड स्ट्रिंग और ऑफ स्लाइड जाना है 5 फ्रेट पर 5th फ्रेट पर, और यहां से आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग 6 or 7। ठीक है, यहां तक आते हैं हम लोग, ये हो गया, और आपको प्ले करना है ऑफ स्लाइड आगे थर्ड स्ट्रिंग 6 7। ठीक है, 6 7 और बैक टू सेकेंड स्ट्रिंग 5 or 7 थर्ड स्ट्रिंग और 6 फ्रेट। ठीक है, और ये जो लास्ट का पार्ट है आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग 4 फ्रेट और 4th स्ट्रिंग जो है 7 6 और 4 फ्रेट। ठीक है, ये पार्ट तो धीरे से नीचे से आते, और जो लास्ट 3 नोट प्ले किया है यहाँ पर ये 1 2 3 ये आपको प्ले करना है 4th स्ट्रिंग 7 थर्ड स्ट्रिंग 6 फ्रेट और 9 फ्रेट इस तरह से प्ले करना है। म्यूट करना है आपको प्ले करके। अब एक ही साथ देखते हैं धीरे से, ठीक है, इससे आपको ऑफ स्लाइड आ रहा है और जो यहां से गाना स्टार्ट होता है लाइक। अब ये जो पार्ट देखिए, ये आपको प्ले करना है पहले तो थर्ड स्ट्रिंग 6 फ्रेट और यहाँ पर आपको सेकेंड स्ट्रिंग 5 फ्रेट। ठीक, अब यहाँ पर आपको प्ले करना है 3 times 1 2 3 7 फ्रेट पर सेकेंड स्ट्रिंग और उसके बाद 5 7। ठीक है, ये हो गया। अब आपको प्ले करना है सेकेंड स्ट्रिंग 10 to 7 ऑफ स्लाइड और फिर से यहाँ पर ऑफ स्लाइड आके एक बार, ठीक है, ये प्ले करके फिर से आपको एक बार प्ले करके ऑफ स्लाइड जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको ऊपर जाना है ऑफ स्लाइड। ठीक है, फिर से सेम। अब ये जो पार्ट है तीनों नोट में आपको ट्रिपलेट प्ले करना है 3 times यहां पर भी 3 times यहां पर भी 3 times। ठीक है, इतना करने के बाद आपको प्ले करना है
फिर से 5 और 7 इस तरह से। अब यहाँ पर आपको प्ले करना है 10 to 12 फ्रेट डाउन स्लाइड अप स्लाइड इस तरह से, ठीक है। मैं धीरे से आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरह से प्ले करना है। और उसके बाद आपको फिर से 10 पर प्ले करके पुल अप करना है, पुल अप करके फिर से एक बार यहाँ पर आपको प्ले करना है और अप स्लाइड जाना है, ठीक है। तो दोनों एक ही साथ देखते हैं, ठीक है। ये आपको प्ले करना है डाउन स्लाइड, यहां से 6 to 7 डाउन स्लाइड आप जा सकते हैं, सेम स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग और बैक टू 5 और यहां पर 3 टाइम, ठीक है। और आपको यहां पर हैमर ऑन और पुल अप करना है सेकंड स्ट्रिंग 5 to 7, हैमर ऑन और पुल अप। और उसके बाद आपको प्ले करना है नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिंग 7, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, प्ले करिए थर्ड स्ट्रिंग 7 6, ठीक है। फिर से बैक टू 7 और सेकंड स्ट्रिंग 5 7, फिर बैक टू 5 और थर्ड स्ट्रिंग 7, ठीक है। आप ऊपर टेबलेचर देखिए, टेबलेचर देख के आप प्ले कर सकते हैं। अब एक ही साथ देखते हैं, यहां तक हो गया। अब ऊपर देखिए, अब ये जो पार्ट है 1 2 3 1, टोटल 5 टाइम्स, लाइक 1 2 3 4 5, और उसके बाद 6 और 4, और लास्ट नोट आपका रहेगा फोर्थ स्ट्रिंग 7 फ्रेट। और उसके बाद आपको प्ले करना है नेक्स्ट, प्ले करना है, ये प्ले करना है आपको थर्ड स्ट्रिंग 4 to 6 फ्रेट हैमर ऑन और पुल अप, और फोर्थ स्ट्रिंग 7, अब यहाँ पर 6 फ्रेट पर 3 टाइम्स, और फिर से आपको यहाँ पर हैमर ऑन करना है फोर्थ स्ट्रिंग 4 फ्रेट to 6 फ्रेट और पुल अप, और फिफ्थ स्ट्रिंग 7 फ्रेट, ठीक है। नीचे से देखते इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग 1 बार, फोर्थ स्ट्रिंग 6 फ्रेट 2 टाइम्स, और 7 फ्रेट पर 1 टाइम। और उसके बाद आपको प्ले करना है नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिंग 6 फ्रेट, ठीक है। और यहां पर आपको प्ले करना है हैमर ऑन और पुल अप इस तरह से। इतना करने के बाद आपको प्ले करना है 4 to 6 हैमर ऑन और पुल अप इस तरह से, और यहां पर आपको 1 टाइम प्ले करना, 2 टाइम्स प्ले करना है, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट नोट, और उसके बाद ये छोटा सा पार्ट ऐड किया है, ठीक है। अब ये आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ कैसे प्ले करना है इसको, ठीक है। ये ए जी मेजर का, सॉरी ए मेजर का, इसके लिए इसको प्ले करना है आपको पहले तो फोर्थ स्ट्रिंग 7 फ्रेट 6 फ्रेट, फिर बैक टू 7 फ्रेट, ठीक है। और इसके बाद आपको प्ले करना है नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिंग 4 6 7, और बैक आना है आपको 6 4, फोर्थ स्ट्रिंग 7 6 4 6 7, और फिर से आपको लास्ट एक बार पिकिंग करना है, ठीक है, लाइक फिर से एक बार। अब एक ही साथ देखते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका पार्ट। अब दूसरा पार्ट, अब ये पार्ट जो है
और फोर्थ स्ट्रिंग सेवन से स्टार्ट होता है, ठीक है, सेवन, और थर्ड स्ट्रिंग जो है सिक्स फ्रेट पर टू टाइम्स और सेवन, जैसे आप यहाँ पर म्यूट कर सकते हैं, प्ले स्टैगर्ड नोट जो कहते हैं इसको, और उसके बाद सेवन पर प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग सेवन, ठीक है, इतना प्ले करके आपको प्ले करना है। नेक्स्ट हैमर ऑन और पुल ऑफ सेम स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग फाइव टू सेवन, इस तरह से, इस तरह से, और फिर से बैक टू थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट पर आपके टू टाइम्स प्ले करना है। और इसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, फिर से आपको थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट से प्ले करना है कुछ इस तरह से, बहुत ही सिंपल है। पहले तो थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट, और नेक्स्ट टाइम आपको प्ले करना है सेकंड स्ट्रिंग फाइव सेवन फाइव सेवन और बैक टू लास्ट सेवन, लाइक ये आपको टू टाइम्स प्ले करना है, लाइक वन टू, और लास्ट जो थ्री नोट है आपको प्ले करना है टू नोट्स सेवन सिक्स सेवन, ठीक है, ये सेवन पर आपको टू टाइम्स प्ले करना है, मतलब बैक टू सेवन पर आना है, पहले सेवन सिक्स सेवन, ठीक है, तो इसको एक ही साथ प्ले करेंगे टाइमिंग में, तो कुछ इस तरह से सुनाई देगा। और उसके बाद ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आपको प्ले करना है पहले तो सेम थर्ड स्ट्रिंग थ्री टाइम्स और सिक्स फ्रेट पर वन टाइम और बैक टू सॉरी फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पर थ्री टाइम्स, ठीक है, और फिर से सेवन पर आके थ्री टाइम्स, और यहां पर आपको एक बार सिक्स फ्रेट पर एक बार प्ले करके पहले तो डाउन स्ट्रोक प्ले करना है लाइक, और उसके बाद सिक्स टाइम, ठीक है, और यहां पर फोर टाइम्स, ठीक है, और बैक टू फिफ्थ फ्रेट पर फोर टाइम्स प्ले करके सिक्स फ्रेट पर आपको रोकना है, ठीक है। इसको धीरे से प्ले करके दिखाता हूं मैं आपको, अब एक ही साथ प्ले करते हैं, और फिर से वही आता है यहां से, ये जो पार्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ये जो पार्ट रहेगा सेम रहेगा, यहाँ पर आपको फोर्थ फ्रेट सॉरी फोर्थ स्ट्रिंग सेवन फ्रेट पर प्ले करना है, और यहाँ पर थर्ड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट पर टू टाइम्स, इस तरह से आपको प्ले करना है, जैसे स्टैकेट नोट होता है थ्योरी में जो कहते हैं, इस तरह से, ठीक है, और आपको सेवन फ्रेट पर आना है, और सेकंड स्ट्रिंग जो है वो भी आपको सेकंड फ्रेट पर प्ले करना है, सॉरी सेवन फ्रेट पर, ठीक है, और फिर से आपको हैमर ऑन करना है फाइव टू सेवन, हैमर ऑन और पुल अप, ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग, और फिर से नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिंग सेवन पर टू टाइम्स, इतना प्ले करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिंग सेम फ्रेट से स्टार्ट करना है। आप टैबलेट से ऊपर देख सकते हैं, ये आपको प्ले करना है थर्ड स्ट्रिंग सेवन सेकंड स्ट्रिंग फाइव सेवन फर्स्ट स्ट्रिंग फाइव, और फर्स्ट स्ट्रिंग जो है सेवन पर आपको बैंड करना है और पुल अप सॉरी बेंड बेंड करके रिलीज करना है, ठीक है, और बैक टू फाइव और सेकंड स्ट्रिंग सेवन और थर्ड स्ट्रिंग सेवन सॉरी आपको सेकंड स्ट्रिंग सेवन तक आना है, ठीक है। ऊपर से देखते हैं, आपको सेम प्ले करना है जैसे हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस किए थे, वही आपको प्ले करना है। तो यहां से देखते और फिर से आपको सेम रिपीट करना है, यहां से सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब यहां पर आपको सेवन फ्रेट पर आपको ट्रिपलेट करना है और फिफ्थ फ्रेट पर सिंगल, फिर से यहां पर ट्रिपलेट, ठीक है, और उसके बाद फिर से यहां पर फाइव टू सेवन हैमर ऑन और पुल अप,
ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट पर यहाँ पर सिंगल प्ले करना है, सिंगल मतलब टू टाइम्स फोर टाइम्स लाइक लाइक दिस वन टू वन टू वन लास्ट वन आपको प्ले करके फोर टाइम्स फाइव टाइम्स प्ले करके ठीक है, वन टू थ्री फोर वन फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करके फोर्थ थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट पर प्ले करना है ठीक है, लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब फाइव आपका थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट रहेगा, सिक्स आपका फोर्थ स्ट्रिंग ओपन रहेगा और बैक टू सेवन थर्ड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट पर रहेगा ठीक है। आप नीचे से देखते हैं धीरे से फिर से ये आपका सेम रहेगा, इतना ही चेंज है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम लोगों ने कुछ इस तरह से प्ले किए थे, ये प्ले किए ठीक है। अब इसके जगह पर आपको प्ले करना है, ये प्ले करना है ठीक है। अब फिर से नीचे देखते हैं, नीचे से देखते हैं, ये जो पार्ट है फिर से आपको सेम प्ले करना है, यहाँ तक, यहाँ से आपको नीचे जाना है, ऊपर नहीं आना है, नीचे जाना है। तो फोर्थ स्ट्रिंग सेवन सिक्स सेवन, थर्ड स्ट्रिंग फोर सिक्स सेवन ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग फाइव सेवन और बैक टू फाइव थर्ड स्ट्रिंग सेवन सिक्स फोर और लास्ट नोट रहेगा आपका फिफ्थ स्ट्रिंग सेवन सिक्स सेवन ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग ठीक है। फिर से एक बार देखते और फिर से ये आपको प्ले करना है, आप रिपीट कर सकते हैं ठीक है। तो ये थोड़ा फर्स्ट गिटार का पार्ट, अब देखते हैं इसका जो बेस नोट पे गया है यहाँ से ठीक है, और इसका जो हार्मोनिस किया है, हार्मोनिस यहाँ से किया है, कुछ इस तरह से हार्मोनिस किया है। तो आइए इसको भी देखते हैं धीरे से। ओके, जो सेकंड गिटार ने प्ले किया है यहाँ से इस तरह से प्ले किया है। अब ये जो पार्ट है आपको प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग नाइन सॉरी सेवन टू नाइन हैमर ऑन और थर्ड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट ठीक है, ये आपको टू टाइम्स प्ले करना है और बैक टू लास्ट जो नोट है फोर्थ स्ट्रिंग सेवन फ्रेट। इसी तरह आपको प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग फोर टू सिक्स फ्रेट हैमर ऑन और सेवन पर पिकिंग करना है ठीक है, ये टू टाइम्स और लास्ट नोट आपका रहेगा फोर्थ फ्रेट सेम स्ट्रिंग, और इसके बाद आपको सेम इसी तरह प्ले करना है सिक्स टू सेवन हैमर ऑन और नाइन पर पिकिंग और लास्ट नोट आपका रहेगा सेम स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट ठीक है। और यहाँ पर आपको प्ले करना है कुछ इस तरह से, ये आपको प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग नाइन टू इलेवन हैमर ऑन और थर्ड स्ट्रिंग नाइन फ्रेट, जो कि आप फर्स्ट फिंगर से इसे प्रेस कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं टू टाइम्स और लास्ट नोट आपका रहेगा सेम स्ट्रिंग फोर्थ स्ट्रिंग नाइन फ्रेट। तो एक ही साथ इसको देखते हैं, ये हो गया इसका पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस तरह से प्ले करना है आपको। अब ये जो पार्ट है ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग फोर टू सिक्स फ्रेट डाउन स्लाइड और थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट और बैक टू फोर्थ स्ट्रिंग सिक्स फाइव फोर और अप स्लाइड सेकंड फ्रेट पर ठीक है। और ये जो पार्ट है आपको नोट है फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पर। अब ये जो पार्ट है ये आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड बैक टू फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट और फोर्थ फ्रेट ठीक है। अब इतना प्ले करने के बाद आपको नेक्स्ट प्ले करना है ठीक है, ये आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर प्ले करके पुल अप ठीक है, और उसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फोर
और फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, इस तरह से ये प्ले करके आपको यहाँ पर डबल स्ट्रिंग प्ले करना है। ये आपको प्ले करना है नेक्स्ट फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट, और सेम आपको यहाँ पर प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेवन और फोर्थ स्ट्रिंग नाइन फ्रेट। तो एक ही साथ इसको देखते हैं धीरे से। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ए मेजर पर प्ले करना है, ठीक है। ए मेजर पर आप फर्स्ट फिंगर से होल्ड कर सकते हैं इसी तरह से, और फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग एक ही साथ, और फिफ्थ स्ट्रिंग जो है ओपन, ठीक है, इस तरह से। तो धीरे से यहाँ से देखते अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ठीक है। गाने पर जो बेस नोट प्ले किया है एकॉस्टिक गिटार ने, ये आपको प्ले करना है डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है, डाउन अप वेल आप जब ऑफ साइड लेंगे, ठीक है, इस तरह से डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है, डाउन अप डाउन डाउन, लेकिन थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से। इसका जो साउंड है फिर आप धीरे से सुनिए एक बार, ठीक है। तो इसके बाद आपको प्ले करना है यहाँ पर, यहाँ पर आपको ये एक बार प्ले करना है। ये जो आपका नोट है मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड और बैक टू फोर्थ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड टाइम आपको फोर्थ फ्रेट पर टू टाइम्स प्ले करना है, और सेम फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड और बैक टू फोर्थ, ठीक है, इस तरह से। इसको धीरे से एक बार देखते, फिर से एक बार, और उसके बाद आपको प्ले करना है ये जो नोट है, आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, ठीक है, थोड़ा सा म्यूट प्ले करना है आपको, यहाँ पर पाम म्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा म्यूट करके, और उसके बाद आपको प्ले करना है सिक्स स्ट्रिंग ओपन और सेकंड फ्रेट पर होल्ड करके, और फिर से फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद फिर से फिफ्थ स्ट्रिंग पर टू टाइम्स और ओपन, फिर से सेकंड फ्रेट और फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। तो इसको धीरे से देखते, फिर से नीचे आना है आपको इस तरह से, ठीक है। तो इसको देखते, सॉरी, अब ये जो पार्ट है, ठीक है, जो आप हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस किए थे वही आप प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो पार्ट है थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड और फिफ्थ स्ट्रिंग फोर और बैक टू फिफ्थ, ठीक है। ये प्ले करने के बाद आपको नेक्स्ट प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पर टू टाइम्स और फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फोर और फिफ्थ, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको टू टाइम्स प्ले करना है, पहले तो फिफ्थ स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग यहाँ पर एक बार और ओपन और सेकंड फ्रेट और बैक टू फिफ्थ फ्रेट, ठीक है, और फिर से आपको यहाँ पर टू टाइम्स प्ले करना है और फिर से ओपन सेकंड फ्रेट और बैक टू फिफ्थ फ्रेट, ये आपको टू टाइम्स प्ले करना है। जो पार्ट है आपको पहले प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, थोड़ा सा म्यूट करके, और सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन, सेकंड फ्रेट और फोर्थ फ्रेट, और इसके बाद आपको प्ले करना है सिक्स्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पर टू टाइम्स और फोर्थ फ्रेट और सेकंड फ्रेट और ओपन, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आपको प्ले करना है सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन टू टाइम्स और सेकंड फ्रेट फोर्थ फ्रेट, ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर टू टाइम्स और फोर्थ फ्रेट सेकंड फ्रेट ओपन, इस तरह से। तो यहाँ से देखते, और फिर से
यही पार्ट आएगा, ठीक है, ये पार्ट आएगा, टू टाइम्स आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर टू टाइम्स फिर से, और फिर से ऊपर टू टाइम्स, और फिर से यहाँ पर वन टाइम, अब की बार नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा बेस पैटर्न है, ये आपको प्ले करना है फिफ्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ फ्रेट, एट फ्रेट और फोर्थ स्ट्रिंग सेवन फ्रेट, ठीक है, सॉरी टू टाइम्स और वन टाइम और यहाँ पर वन टाइम, ठीक है, ये हो गया। और अब नेक्स्ट टाइम आपको एट फ्रेट पर टू टाइम्स, सॉरी थ्री टाइम्स, या थ्री टाइम्स, एंड लास्ट आपको फिर से एक बार यहाँ पर प्ले करके फोर्थ स्ट्रिंग या सेवन फ्रेट पर प्ले करना, ठीक है, इस तरह से, और फिर से आपको ऊपर आना, लास्ट ये एक बार आपको प्ले करके ए मेजर पर डाउन स्ट्रोक आपको प्ले करना है, ठीक है। तो एक ही साथ देखते हैं यहाँ से, बेस बैटन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे गिटार लेसन चैनल पर, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रॉकिंग।